नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। आज गुरुग्राम के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण हरियाणा के लिए बेहद खुशी का दिन है। जी हां, हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया है जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन से हमारा नाम जो है वो पूरी दुनिया में डंका बजाकर आ चुके हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 से हरियाणा के 16 ऐसे जो खिलाड़ी हैं उनको जो है यहाँ पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 12 खिलाड़ी हैं और साथ ही उसमें 4 जो हैं वो प्रशिक्षक हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए जो गर्व की तस्वीरें हैं, जो कि जिसकी कल्पना हर व्यक्ति हमारे देश में जीने वाला वो करता है, जो चाहता है कि कोई भी कार्य अगर वो करे तो इस कदर करे कि उसको इस तरह का जो सम्मान है वो प्राप्त हो सके। जिसमें सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो इस बार जो हरियाणा में नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल, रवि कुमार दहिया और सुमित अंतिल को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नीरज चोपड़ा हैं वो ओलंपिक में भाला फेंक में देश के लिए गोल्ड लेकर आए और उन्होंने देश का और अपने प्रदेश का जो नाम है वो संपूर्ण दुनिया में जो है उसका डंका जो है वो बजाया। और अब बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं योगेश कथुनिया, सुरेंद्र पालड़, सिंहराज अधाना, सुमित कुमार, दीपक पुन्या, हरविंदर सिंह और मोनिका मलिक। जी हाँ, ये हैं अर्जुन पुरस्कार पाने वाले जिनको आज रामनाथ कोविंद ने अर्जुन पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया है। और ये वही घड़ी है जिसके लिए संपूर्ण जो देशवासी हैं वो इंतज़ार करता है और वो चाहता है कि वो कोई ऐसा कार्य करे कि उसको जो राष्ट्रपति हैं वो खुद सम्मान दे। और अब बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की। जी हाँ, 4 प्रशिक्षकों को जिस तरीके से यहाँ पर अवार्ड जो है खेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो दिया गया है सरकार तलवार और आशान कुमार को। जी हाँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और प्रीतम सिवाज, जी हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो नियमित श्रेणी से अगर बात करें तो प्रीतम सिवाज को भी जो है दिया गया है। और अब बात करेंगे ध्यानचंद पुरस्कार। जी हाँ, देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बेहद बुज़ुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पर जो है ऐसे प्रशिक्षक वो यहाँ पर बनकर आए हैं जिनको यहाँ पर ध्यानचंद पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। और ये जो घड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए ही नहीं संपूर्ण देश के लिए बेहद खुशी की जो घड़ी है वो है। और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो 12 खिलाड़ी जो हरियाणा के थे जिन्होंने ओलंपिक में जाके और पैरा ओलंपिक में जाके हमारा नाम रोशन किया है उनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। और 4 प्रशिक्षक जिनकी वजह से आज देश जो है प्रदेश जो है वो गौरवान्वित रहा है। और अब बात करेंगे, जी हाँ, इन सभी को बधाई के तौर पर सीएम मनोहर लाल ने अब एक खास अपना वीडियो जारी किया है। वो वीडियो देखिए कि किस तरीके से जो सीएम मनोहर लाल है वो उन खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं, उनका जो श्रेय है, उनकी जो रणनीति है, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में बता रहे हैं। देखिए, आज ये बहुत बड़ा खुशी का अवसर हमारे लिए, क्योंकि ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में जिस प्रकार हमारे खिलाड़ियों ने इतने मेडल लिए और वो भी एक खुशी का अवसर था, लेकिन आज तो वो खुशी डबल हो गई कि जब राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पुरस्कार थे उसमें खास करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं, उसमें अर्जुन अवार्ड है, उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड है और इसके अंदर ढेरों अवार्ड हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं। और मैं कहता हूँ कि कुल 64 में से 17
अवार्ड केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले हैं, जो 25 वर्ष से भी ऊपर बनता है। तो इस प्रकार की खुशी का दिन मैं समझता हूँ अभी हमें लगातार आता रहे, और मैं इस अवसर पर अपने जितने भी खेल प्रेमी, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भी मेडल लिए हैं, जिनको भी पुरस्कार मिले हैं, उन सबको, उनके परिवार के बंधुओं को और हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो हमारे नौजवानों हैं, हमारे जो भी ऐसे खेल खिलाड़ी जो हैं उनकी तस्वीर ऐसी है, हमारे मिट्टी में एक ये गुण है कि यहाँ जैसे कहा जाता है ना हरियाणा में दूध दही का खाना, तो घरों में जो उनका पालन पोषण होता है शारीरिक दृष्टि से भी और खेलों में उनकी प्रैक्टिस होती है, हमारे परंपरागत तौर पर भी बहुत से ऐसे कोच गांव-गांव में मिलते हैं, कुछ फौजी मिलते हैं जो बिना सरकारी सहायता के उनको खेलों में रुचि पैदा करते हैं, फिर साथ में हमारी खेल की पॉलिसी है। कि आपने देखा कि यहाँ पर सीएम ने भी बताया दूध दही का खाना और नंबर वन हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा का आज होने पर जो है गर्व महसूस यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं कि इस तरीके से ये सिर्फ इसीलिए ये खबर आज गुरुग्राम प्लस आप तक पहुँचा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर गुरुग्राम ही नहीं संपूर्ण हरियाणा वासी जो है आज बेहद गर्वान्वित जो है महसूस कर रहा होगा, क्योंकि आज हमारे देश के ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के ऐसे 16 जो लोग हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, जिसमें से 12 जो हैं वो खिलाड़ी हैं और 4 जो हैं वो प्रशिक्षक हैं, और यहाँ गुरुग्राम प्लस भी इन सभी खिलाड़ियों को और इन सभी प्रशिक्षकों को जो है बधाई देता है और संपूर्ण हरियाणा वासियों को और गुरुग्राम वासियों को भी यहाँ पर बधाई देता है। नमस्कार, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके आप भी जो है हमारे जो ये खुशी है उसको जाहिर करें और आसपास के लोगों को ये खबर देकर और इस खबर को शेयर कर पहुँचाएँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करके आप भी बधाई जो है वो दे सकते हैं। नमस्कार। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9643107600।